वीडियो में आपको बताने वाला है मेजर आर्ट पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सब जो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे एस मिल, कार्ल मार्क्स, लेलिन, ये सब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पॉलिटिकल साइंस जिस स्टूडेंट का है सेमेस्टर फोर में, पॉलिटिकल साइंस मेजर आर्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले आप लोग मेजर सिक्स और मेजर सेवन का एग्जाम दिए होंगे, उसका सिलेबस थोड़ा अलग टाइप्स के था, कुछ अल्टर जैसा था, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे कुछ, और आंसर उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर में आया होगा उसी से रिलेटेड आया होगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगा होगा कि शायद क्वेश्चन चेंज दिया, मतलब कुछ उसमें चेंजिंग जैसा आपको देखने को मिला होगा। लेकिन मेजर पेपर जो आठ है ना, एट है ना, वो बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें आपको कोई वैसा चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। जैसा आप पढ़ के जाइएगा वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सिक्स सेवन में क्या हुआ था, ऐसा लगा था कि कुछ ज़्यादा मतलब चेंजिंग और ऐसा क्वेश्चन हम नहीं पढ़े, ऐसा लगा था, लेकिन इसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। बहुत पहले मैंने ये सभी क्वेश्चन का आंसर करवा दिया है, ठीक है, तो जाके कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है सबसे पहले मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता लूंगा, उसके बाद ये सबका एक मैं राज बताऊंगा कि प्लेटो और अरस्तु ये सब क्या है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्लेटो के आदर्श राज सिद्धांत की विवेचना करें। अब देखिए एग्जाम में चाहे क्वेश्चन कैसे भी चेंज करके दे दे, बस आपको वहां ये देखना है कि प्लेटो का नाम लिया हुआ है और आदर्श राज सिद्धांत बोल रहा है। क्वेश्चन इधर से चेंज करे, उधर से चेंज करे, लंबा करे, छोटा करे, कोई मैटर नहीं करता है। आपको ये देखना है कि प्लेटो के राज सिद्धांत पूछा है, तो आंसर आपको ये डालना, ठीक है। दूसरा आपका प्लेटो के दार्शनिक राजा संबंधित सिद्धांत की समीक्षा करें। तीसरा है आपका प्लेटो के शिक्षा संबंधित आलोचनात्मक परीक्षण करें। और चौथा आपका प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये जो चार क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किससे है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्लेटो से है, यानी एक विद्वान से आपका चार क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका राज बताएंगे आपको, ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अरस्तु से आपका दो क्वेश्चन पूछा गया है। अरस्तु की नागरिकता संबंधित सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें, एंड नेक्स्ट है आपका अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास्ता संबंधित विचारों का परीक्षण करें। ये भी अरस्तु से और ये भी अरस्तु से, लेकिन ये है ये आप जो पांचवा क्वेश्चन है वो आपका है नागरिकता संबंधित सिद्धांत, और छठा जो आपका है वो है प्रतिपादित दास्ता संबंधित विचार, ठीक है। तो अरस्तु से दो क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना कि अरस्तु का नाम लिया है और नागरिकता संबंधित सिद्धांत बोला, तो आंसर वही डालना है। आपको ये देखना है कि अरस्तु का नाम लिया है और दास्ता संबंधित विचार बोला है, तो आंसर वही डालना है, ठीक है, ये चीज़ देखना है। नेक्स्ट जो आपका मैं बात करूँ सातवां नंबर हॉब्स से, हॉब्स भी एक विद्वान है, ठीक है। तो हॉब्स से एक ही क्वेश्चन दिया गया है, हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट का, तो एट दिया लॉक से, लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये भी एक ही क्वेश्चन दिया गया इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नाइन है, रूसो के संविदा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पे संविदा सिद्धांत के बारे में आपको बताना है रूसो का। नेक्स्ट है आपका बेंथम के उपयोगितावाद का परीक्षण करना है, बेंथम की उपयोगितावाद की परीक्षण करना आपको। नेक्स्ट आपका जे एस मिल से दो क्वेश्चन है, ठीक है। जे एस मिल एस एस दो बार लिखा गया, ठीक है। जे एस मिल की स्वतंत्रता संबंधित अवधारणा की वर्णन करना आपको। एक हो गया आपका जे एस मिल की स्वतंत्रता संबंधित अवधारणा, और एक हो गया आपका जे एस मिल की प्रतिनिधि शासन के विषय में मिल के विचारों का आलोचनात्मक व्याख्या करना, ठीक है। एक आपको स्वतंत्रता संबंधित अवधारणा बताना है, और एक मिल का आपको विचारों का आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो जे एस मिल से दो क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। एंड नेक्स्ट आपका कार्ल मार्क्स की द्विधांतमक प्रणाली की परीक्षण करें, इससे आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट आपका राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली का योगदान लिखना है, मैकियावेली का योगदान, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लेलिनवाद पर एक निबंध लिखना है, लेलिनवाद पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अब मैं आपको इसका राज बताता हूँ, देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका मेजर आर्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको टोटल कितने विद्वान के बारे में पढ़ना, वो देखिए प्लेटो के बारे में पढ़ना है। ये सब विद्वान हैं, व्यक्ति, लोग जो पहले राजनीतिक में अपना कुछ योगदान देते थे, विचार देते थे, सिद्धांत देते थे, वो लोग हैं ये सब, ठीक है, विद्वान लोग। दूसरा है आपका अरस्तु,
तीसरा है मैकियावेली, चौथा हॉब्स है, पांचवा लॉक है, छठा आपका रूस है, ठीक है, सातवां बेंथम है आपका, आठवां जेएस मिल, नौवां कार्ल मार्क्स और लेनिन 10 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आने के आपका सिलेबस में 10 सिर्फ विद्वान के बारे में दिया गया है, सोचिए 10 विद्वान के बारे में, अगर आप हर एक विद्वान के एक ही सिद्धांत को अगर पढ़ के जाइएगा तब भी आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा, और आप सोच रहे होंगे कि हम 6 ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, तो देखिए कौन से विद्वान को एग्जाम में छोड़ दिया जाएगा, 10ों का 10ों विद्वान से नहीं देगा वहाँ पे क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 6 विद्वान से 7 विद्वान से ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें से कौन सा विद्वान के बारे में दे देगा ये किसी को नहीं पता है, एग्जामिनर छोड़ करके, ठीक है, ये एग्जामिनर को भी नहीं पता होता उस टाइम कि हम क्वेश्चन कौन सा सेलेक्ट करेंगे उस टाइम, ठीक है, जब सेलेक्ट करके हो जाते हैं तब पता चलता है, क्योंकि विद्वान है किसी से भी उठा लेंगे क्वेश्चन, तो 10 विद्वान का यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, टोटल आपका 10 विद्वान है यहाँ पे, तो 100 विद्वान के बारे में आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर पढ़ के जाना है, एक प्लेटो के बारे में, एक अरस्तु के बारे में, कि मैकियावेली के बारे में, तो टोटल 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन इसलिए बनाना, सभी जितने सारे विद्वान हैं सभी से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट में, ठीक है। हाँ, ये जो आपका प्लेटो है, प्लेटो से 4 क्वेश्चन दिया गया, वही आपका 15 को बढ़ गया, और अरस्तु से 2 को दिया गया है, ठीक है, और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपका जेएस मिल से 2 को दिया गया, बाकी 1 4 से, 1 2 से और 2 से, बाकी सभी विद्वान का एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आपको तैयारी कैसे करना है सो देखिए, आप क्या कीजिए, प्लेटो का यहाँ पे 4 सिद्धांत दिख रहा है, ये 4ों सिद्धांत में से अगर आप 4 पढ़ पाते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो किसी एक को पढ़ लीजिए, बट हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक दिया जा सकता है, ठीक है। अरस्तु से 2 को है तो अरस्तु से 2 को पढ़ लीजिए दोनों में, अब तो अगर आपको लग रहा है कि हम ये पढ़ के जाएं तो पढ़ लीजिए, लेकिन हम किसी को कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि हॉब्स का यहाँ एक ही क्वेश्चन है तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, सीधा सीधी बात है। लॉक का एक ही क्वेश्चन है तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, रूसो का एक ही क्वेश्चन है तो ये पढ़ लीजिए, बेंथम का एक ही क्वेश्चन है तो ये पढ़ लीजिए, जेएम्स मिल का 2 क्वेश्चन है तो दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसको लास्ट में पढ़ लीजिएगा, मार्क्स का एक ही पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर लेलिन वाला एक ही को तो ये पढ़ लीजिए, मैकियावेली का एक ही है तो ये पढ़ लीजिए, ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ने का एक तरीका मैंने आप सभी को बताया, सभी क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिंक दे दिया गया, ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।